नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। भारत की ताकत में रोज नए इजाफे हो रहे हैं और इनका संदेश भी दुश्मन तक पहुंच रहा है। उसी कड़ी में डीआरडीओ ने कमाल करते हुए आकाश मिसाइल का अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण किया। खबरों की माने तो डीआरडीओ ने जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से आकाश मिसाइल की नई पीढ़ी का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। भारतीय थल सेना के साउथ वेस्टर्न कमांड ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर यह जानकारी साझा की है। जानकारी के लिए बता दें कि नई पीढ़ी की मिसाइल को भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना द्वारा उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है ताकि दुश्मन के हवाई हमले को रोका जा सके। एक आधिकारिक सूत्र की माने तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल को सफलतापूर्वक दागा गया। आकाश एनर्जी मिसाइल का उपयोग भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा हवाई पैतरेबाजी, रडार क्रॉस सेक्शन, हवाई खतरों को रोकने के लिए किया जाएगा। ये मिसाइल वास्तविक समय में कई लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम है। मिसाइल में 40 किलोमीटर की इंटरसेप्ट रेंज है, जिसमें मिसाइल गाइडेड सिस्टम अग्नि नियंत्रण प्रणाली के साथ साथ अधिक सटीक है। रक्षा सूत्रों की माने तो परीक्षण के दौरान मिसाइल के कमांड और कंट्रोल सिस्टम, ऑनबोर्ड एवियोनिक्स और एरोडायनामिक्स कॉन्फ़िगरेशन का प्रदर्शन सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया। परीक्षण लॉन्च के दौरान मिसाइल के पूरे रास्ते की निगरानी करते हुए रडार, EOTS और एलिमेंट्री सिस्टम समेत कई रेंज उपकरणों का उपयोग किया गया है। सूत्रों की माने तो परीक्षण प्रक्षेपण के दौरान मिसाइल की निगरानी की गई और उड़ान डेटा को विभिन्न रेंज उपकरणों द्वारा कैप्चर किया गया। मल्टीफंक्शन रडार को सिस्टम के साथ एकीकरण की क्षमता के लिए परीक्षण किया गया था। मिसाइल की रेंज 1.8 से 2.5 मीटर तक है। इस मिसाइल को उन टैंकों से दागा जा सकता है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो स्थिर है यह सतह के युद्ध पोतों और ट्रकों से चलती है। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो आकाश एनर्जी सिस्टम को अन्य सामान्य प्रणालियों की तुलना में बेहतर तैनाती के साथ विकसित किया गया है। मिसाइल को पूरी तरह से DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है और इसे रक्षा PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे DRDO ने फिर एक बार कमाल किया है और दुश्मन को सहमने पर मजबूर किया है। आपका हमारी इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।